हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट इंग्लिश। आज हम लोग कुछ ऐसे ईडियम सीखने वाले हैं जो कि आँख से रिलेटेड है। जी हाँ, आपने सही सुना, आँख से रिलेटेड है। इंग्लिश ईडियम्स विद आई, ऐसे ईडियम्स अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में आते हैं, और स्कूल लेवल चिल्ड्रन अगर इन ईडियम्स को भी यूज़ करेंगे तो उनका कॉम्पोजिशन या लेटर कुछ भी, वो जो ईमेल राइटिंग अगर कुछ भी कर रहे हैं तो इनको idioms, ये सारे idioms use करने से वो ज़्यादा scoring बन जाएंगे। तो without any further delay, let's get started with the video। video के end तक बने रहिएगा क्योंकि each and every idiom जो है बहुत ही important है। और अगर आगे आपको ऐसी useful videos चाहिए तो मेरे channel को please subscribe कीजिए ताकि जो है आप इन videos का फ़ायदा उठा सकें। To catch someone's eye मतलब to be noticed by someone, मतलब जो है इसको अगर हिंदी में बोलेंगे, आप जब कुछ चीज़ को नोटिस करते हैं। फॉर example, इट was द नोटिस अबाउट द जर्मन इंजीनियरिंग कॉलेज दैट caught my eye। जो नोटिस जर्मन इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आया था वो मेरे नज़र के सामने आ गया। टू सेट आईज ऑन समवन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू सी समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, द मोमेंट I set my eyes on her, I was bewitched by her charms। bewitched का मतलब मोहित, मोहित आप कह सकते हैं। To open someone's eyes means, to open someone's eyes का मतलब होता है to make someone realize about certain realities। आप जो है किसी को अनुभव कराते हैं कि सही चीज़ क्या है असली मायने में, तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। Traveling to Beijing actually made my eyes open to Chinese culture। An eye for an eye, ये बहुत famous line है said by गांधी जी। इसका मतलब है the punishment which an offender suffers, what the victim has suffered। तो इसको हम लोग, इसका मतलब आप जानोगे कि अगर आपने किसी को दुख पहुँचाया है तो आपका हक बनता है कि जो है आपको वो सही, वो जो दुख आपने उस दूसरों को पहुंचाया है वही दुख आपको भी झेलना है। तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अ पर्सन हु मर्डर्स समवन डिजर्व्स टू बी हैंग्ड, एन आई फॉर एन आई। जिसने किसी का मर्डर किया हो वो खुद भी फांसी चढ़ने लायक है। नेक्स्ट जो है टू कीप एन आई ऑन, इसका मतलब टू कीप अ वॉच ऑन समवन क्लोजली, आप किसी पे नज़र रख रहे हो ध्यान से, तो हम लोग इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। When the children were playing in the park, their grandmother was keeping an eye on them। In the eyes of the law, इसका मतलब according to law। According to law का मतलब है एक समान, equal। इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, Every citizen of India is equal in the eyes of the law। हर नागरिक भारत का जो है एक समान है हमारे लॉ के आगे। इन द माइंड्स आई, इसका मतलब इन इमेजिनेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे मन की आँख। यू कैन ड्रीम एनीथिंग इन द माइंड्स आई, आप कुछ भी सोच सकते हैं अपनी मन की आँखों से। टू सी आई टू आई, इसका मतलब है टू एग्री विथ समवन, हिंदी में बोलेंगे कि एक सिद्धांत पे आना या एक से एक का विचार मिलना। इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, दे कैन नॉट सी आई टू आई ऑन दिस इशू, मतलब वो लोग जो है एक सिद्धांत पे, इस इशू पे कभी भी नहीं आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये ईडियम्स जो है पसंद आए होंगे, एंड आप ये ईडियम्स आगे यूज़ करने वाले हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।